नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी दो राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। तो शपथ ग्रहण समारोह की किस तरीके की तैयारियां चल रही है उसको लेकर बात होगी, साथ ही आतंकवादी हमले को लेकर भी बात होगी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने इस घटनाओं को अंजाम दिया उस पर भी बात करेंगे, और उसके बाद में किस तरीके से सुरक्षा बल इस वक्त वहां पर अलर्ट मोड पर है। ज्यादा अपडेट लेंगे अपने संवाददाताओं से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की मुख्य खबर यानी कि हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में आज एनडीए नेता चंद्रबाबू नायडू लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पवन कल्याण होंगे उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य होंगे समारोह में शामिल। ओडिशा में आज से होगा बीजेपी की सरकार। मोहन चरण मांझी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। केवी सिंह और प्रभाती परिदा होंगे उप मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर की जनता मैदान में होने वाले भव्य समारोह का हिस्सा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों के पदभार संभालने का सिलसिला जारी। निर्मला सीतारमण ने वित्त और कॉरपोरेट मामलों, जबकि नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन मंत्रालय का संभाला जिम्मा। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर। मुठभेड़ में एक जवान भी हुआ शहीद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में हुआ बड़ा हादसा। बालू से भरा हुआ ट्रक सड़क किनारे झोपड़ी पर पलटा, चार मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की मौत। और T20 विश्व कप में आज भारत के सामने होगी अमेरिका की चुनौती। जीत के रथ पर सवार होकर दोनों टीमों की नजर सुपर 8 में अपनी जगह बनाने पर। और हेडलाइंस के बाद सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। 24 जून से 18वीं लोकसभा का होगा पहला सत्र, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे रहे हैं। लोकसभा का पहला सत्र आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 3 जुलाई तक चलेगा ये सत्र। 24 जून से 3 जुलाई तक ये सत्र होगा इस वक्त की बड़ी खबर। तो काफी खास और काफी अहम इस बार का ये सत्र होने जा रहा है। कई सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इस बार चर्चा होती हुई नजर आएगी संसद में। तो 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है 18वीं लोकसभा। हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उस शपथ ग्रहण समारोह के बाद में जो मंत्री हैं वो लगातार अपना जिम्मेदारी जो है उनकी वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्रालयों में जिम्मेदारी ले रहे हैं। और अब ये ताजा अपडेट भी सब सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है, 27 जून से 3 जुलाई तक ये अहम सत्र चलेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी ऋषि का, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास 24 जून से लेकर के और 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है? हाँ बिल्कुल कृतिका, जैसा कि अपेक्षित भी है, लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद पहला सत्र आहूत किया जाता है, और इस सत्र का सभी को इंतजार था कि कब से इस सत्र का आहूत करने की तिथि आए। और अब हम हमारे सामने है कि 3 जून से ये 24 जून से 3 जुलाई के बीच में ये सत्र चलेगा। तकरीबन 10 दिनों के कार्यक्रम होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले जो सांसद हैं उनको शपथ दिलाई जाती है जो उनके जीत कर आए हैं, और उसके बाद जो सरकार की जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है, जिसमें प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले बनाकर स्पीकर का चुनाव कराया जाता है। स्पीकर के चुनाव के बाद सरकार में जो जिसने सरकार बनाई है वो अपना पक्ष सामने रखते हैं, साथ ही साथ जो उनका बहुमत है उसको भी रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर सरकार और विपक्ष के बीच में संख्या बल कम होता है अंतर, तो ऐसे में विरोध ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब स्पष्ट है कि किसी भी दल के पास जो सत्ता में है, अब जैसे एनडीए के पास जो अपेक्षित संख्या बल है बहुमत का, उससे भी अधिक उनके पास संख्या है, तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ से कई बार ये प्रस्ताव लाती है जिसमें वो अपना बहुमत साबित करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये होती है कि सबसे पहला जो सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा
अभिभाषण किया जाता है और जो आगे की सरकार की भूमिका होती है कि सरकार किस दिशा में काम करेगी, क्या उसका एजेंडा है, उसकी एक हल्की सी रूपरेखा उस भाषण में, अभिभाषण में हमें देखने को मिलती है। तो इसमें चर्चा भी होती है, पक्ष विपक्ष अब जो चूंकि चुनाव जीत के वो ताजा ताजा सांसद बने हैं तो ऐसे में उनके पास एक अवसर होता है एक बार फिर से अपनी बात को जनता के सामने संसद के माध्यम से रखने का। जी इस बार देखिए ऋषि, कहीं ना कहीं जो पूर्ण बजट है वो भी इस बार पेश करते हुए निर्मला सीतारमण नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था। देखिए लोकसभा से पहले जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसका मकसद यही था कि चुनाव तक कराए जाने तक जितनी भी हमें जरूरत है खर्च करने की सरकार की, उस अमाउंट को पहले रखा जाए और उसके बाद जो नई सरकार बनेगी उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है बजट प्रक्रिया की उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर से पूर्ण बजट भी होगा जिसमें आगे के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के खर्च व्यय और उसका जो ब्यौरा है वो रखा जाएगा और इसमें जो सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो भी दिखाई देगी। हम जानते हैं कि कुछ प्राथमिकताएं सरकार बनने के बाद तुरंत सामने आ चुकी हैं जिसमें किसानों का कल्याण और लोगों को घर बनाए जाने की जो घर बनाकर दिए जाने की सरकार की जो योजना है उसको आगे बढ़ाया गया है और कुल मिलाकर आम जन को सीधे लाभ पहुंचाने की जो सरकार की नीति है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनडीए की ये लगातार तीसरी सरकार है तो इस सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, एक तो जो पहले से तय प्राथमिकताएं हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है बजट में उसको भी रेखांकित किया जा सकता है और नई प्राथमिकताएं क्या हैं बदले हुए वातावरण में उनको भी तय किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण होगा ये सत्र आगे आने वाले समय की। जी ऋषि, इस सत्र की अगर हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से किस तरीके से भूमिका हमें देखने को मिल सकती है इस बार? देखिए इस बार हम देख सकते हैं कि विपक्ष थोड़ा मजबूत होकर सदन में आ रहा है और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का पदवी इस बार हासिल कर पाने में सफल हुई है चुनाव में, तो निश्चित तौर से इसमें विपक्ष की भूमिका रहेगी। वो अपने मुद्दे जरूर रखेंगे और सरकार को घेरने की भी कोशिश करेंगे कुछ मुद्दों पर, लेकिन हम जानते हैं कि एनडीए की ये पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि बहुमत से अधिक की सरकार है। ऐसे में जो पक्ष विपक्ष है उसके बीच जो वार्तालाप और जो चर्चाएं होंगी वो निश्चित तौर से देश हित में होंगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि ये पहला सत्र है। जी ऋषि, पूर्ण जो पूर्ण बजट है उसके बाद पूर्ण बजट के अलावा अगर हम देखें तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार सदन में हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए इस समय मुद्दों के बारे में बात करें तो बहुत सारे मुद्दे चुनावों के दौरान भी उठे हैं और चुनावों के बाद भी उठ गए हैं, तो इनको लेकर भी विपक्ष अभी से लामबंद है। जिस तरीके से हमने देखा है कुछ मुद्दों को लेकर विपक्ष ने धरना प्रदर्शन अभी किया है, तो ऐसे में जैसे कांग्रेस की तरफ से नीट को लेकर अभी जो पक्ष सामने आया उसको वो कई नेताओं से बात हुई, उन्होंने उनका कहना है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि मुद्दा इस समय सुप्रीम कोर्ट में है और इसमें कोर्ट अपनी सुनवाई कर रहा है, लेकिन इस तरीके के जो जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दे होते हैं विपक्ष उनको उठाता है और सरकार ट्रेजरी बेंचेस हैं वो तैयार रहती हैं कि किस तरीके से उनका काउंटर करना है और अपना पक्ष रखना है और उस पर जो वस्तु स्थिति है उसको सही रूप में देश के सामने रखना होता है। और इसके अलावा देखना होगा कि क्या सरकार कोई अन्य बिल भी लेकर आ सकती है, ये भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बजट के अलावा समय कम है इसमें चूंकि, तो उसकी गुंजाइश कम देखने को मिलती है। चर्चा भी होनी है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं संवैधानिक दायित्व है सबसे पहले उनको पूरा किया जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है अगर कोई वक्त मिलता है या जो कामकाज के हिसाब से जो वर्किंग डे होंगे उसके हिसाब से सरकार अपना एजेंडा पेश करेगी, अभी ये देखा जाना बाकी है। जी चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सभी को इंतजार है बेसब्री से इस सत्र के शुरू होने का जिसमें पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य नेता शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में 1,00,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। नायडू के साथ 24 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। चंद्रबाबू नायडू को एनडीए गठबंधन दल ने अपना नेता चुना है।
आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने थे और अब 2024 के चुनाव में शानदार जीत के बाद वो चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में वापसी कर रहे हैं। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना वाले एनडीए ने हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में विधानसभा की 175 में से 164 सीटों पर जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि अमरावती ही राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं विजयवाड़ा से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमरेंद्र, अगर देखा जाए तो किस तरीके की तैयारियां इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि समय रखा है 11:27 पर, और उससे पहले जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच जाएंगे और ये पूरा भव्य शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। कृतिका, विजयवाड़ा का जो केसरपल्ली का जो आईटी पार्क है, इस वक्त जो मानो इस समय भव्य लघु भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। जिस तरह से लोग यहां पर मौजूद हैं, एक एक अद्भुत नजारा आपको मंच के सामने देखने को मिलेगा। और मंच पर लगातार कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, चूंकि इस कार्यक्रम का औपचारिक समय जो है 11 बजे प्रारंभ होने का रखा गया है और 10:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर आ जाएंगे और उनको प्रतिनिधिमंडल रिसीव करके 10:55 पर इस कार्यक्रम में लेके आएगा और उसके बाद इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही सुबह 10 बजे, बल्कि 9:30 से ही लोगों का आना जाना लगा रहा। और इस वक्त अगर मैं स्टेज के सामने की बात करूं तो एक भव्य नजारा है। सामने की सारी जो वीआईपी और वीवीआईपी चेयर्स को छोड़ के जो आम पब्लिक की जो चेयर्स है वो पूरी तरह से भर चुकी हैं और स्टेज के सामने कम से कम 12 एलईडी लगाई गई हैं लेफ्ट और राइट में। राइट साइड में एक चेयर्स का 32 चेयर का रोर लगाया गया है। इसी तरह लेफ्ट साइड में भी अगर स्टेज में के सामने देखें तो वहां पे भी चेयर का रो है, जो खचाखच इस समय आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में जो जनता है यहाँ की वो भारी बैठी हुई है और इंतजार कर रही है उस पल का, जिस समय राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर एन चंद्रबाबू नायडू शपथ लेंगे। दरअसल ये समय एक इसलिए भी अद्भुत और एक बड़ा समय माना जा सकता है कि जिस तरह से पिछले काफी समय से चंद्रबाबू नायडू सत्ता से बाहर थे और जब इस चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी और जनसेना के साथ और उस गठबंधन को उन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा जो विकास के मुद्दे थे और जिस मुद्दों को इससे पहले की जो सरकार थी वाईएसआरसीपी की सरकार जगन मोहन रेड्डी उसको एड्रेस नहीं कर पाए, तो एक बड़ा जनसैलाब उनके साथ जुड़ा और यही वजह है कि उन्होंने जिन जिन मुद्दों को टच करने की कोशिश की और जिन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में रखा और उन मुद्दों पे जब लोगों के बीच में गए तो वो अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई हैं। तो आज लगभग ये मानिए कि आंध्र प्रदेश के कोने कोने से लोग अपने नए मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और जो तस्वीर है खासी भव्य नजर आ रही है। कृतिका जी, अमरेंद्र, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, हम चाहेंगे कि वहां से सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाए, क्योंकि कुछ देर पहले की कुछ खास तस्वीरें जो है जो आपने हमें भेजी थी वो तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाई रहे। वहां पर पारंपरिक लोक नृत्य जो लड़कियां करती हुई नजर आ रही है वो तस्वीर तो हम दिखाई रहे, लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपके जरिए से हम देखना चाहेंगे। कृतिका, चूंकि मैं इस वक्त स्टेज के बाहर वाले रो पे हूँ और वहां चूंकि जैमर लगा है इसलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दूसरी जगह पर आ गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर में आपको वहां की एक भव्य तस्वीर दिखाऊंगा अपने कैमरे से। लेकिन जो मैं आपको इस वक्त की तस्वीर बता दूं कि स्टेज पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां पे आंध्र प्रदेश की एक सांस्कृतिक जो छट्टा है उसको सराबोर करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार लोग आ रहे हैं। और अगर बात करें वीआईपी की तो लगभग कई केंद्रीय मंत्री इस समय पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चूंकि आने का समय हो गया है 10:40 पर वो आ जाएंगे। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा जो दो केंद्रीय मंत्री आंध्र प्रदेश के टीडीपी कोटे से हैं और एक भारतीय जनता पार्टी से वो लोग मौजूद हैं। इसके अलावा 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के आने की शपथ कार्यक्रम में आने की उम्मीद है। इसके अलावा कई अभिनेता जो है इस समय आ चुके हैं, इसमें बात करें पवन कल्याण के जो बड़े भाई हैं, सुपरस्टार मेगास्टार चिरंजीवी,
वो आ चुके हैं। इसके अलावा कई और जो सेलिब्रिटी और जो गेस्ट हैं जो पूरे देश से वो लगभग यहाँ पर आने वाले, अभिनेता रजनीकांत भी कल देर रात यहाँ विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। तो एक एक, एक बड़ा बड़ा संगम कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को इस कार्यक्रम की उम्मीद थी और चूंकि समय भी बिल्कुल निर्धारित है, इसमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू 11:27 पर, जब घड़ी की सुई 11:27 बताएगी उस वक्त चंद्रबाबू नायडू राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये पहले से फिक्स समय है और 11 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होना है, 12:30 बजे इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा और 12:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पे जाएंगे और 12:50 पे वो यहाँ से निकल जाएंगे ओडिशा में दूसरे कार्यक्रम के लिए। तो बिल्कुल समय है, नियत है और उसके लिए लगातार जो लोग हैं लगातार वेन्यू पर पहुंच रहे हैं और पूरे शहर में लगभग ऐसी स्थिति है, मतलब लोग सड़कों पे से लगातार निकलते हुए देखे जा सकते हैं। कृतिका, ठीक है अमरिंदर, अगर देखा जाए तो जो मंत्री शपथ ले रहे हैं उसमें पवन कल्याण को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है, अब बाकी जो मंत्री हैं उनमें क्या अभी तक कुछ नाम सामने आए हैं कि आखिर कौन कौन आज शपथ लेता हुआ नजर आ सकता है? जी कृतिका, पूरी मंत्रिमंडल की सूची आ गई है सामने, जिसमें मैं आपको बता दूं कि टीडीपी कोटे से 19 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा जनसेना से 4 और भारतीय जनता पार्टी से 2 जो विधायक है वो शपथ लेने वाले हैं। जो सूची है उसमें जो पहला नाम है वो तो चंद्रबाबू नायडू का है जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं और ये भी पुष्टि की जा रही है कि जनसेना जो पार्टी है उसके अध्यक्ष जो है पवन कल्याण वो डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा जो टीडीपी की तरफ से जो लिस्ट आई है उसमें नारा लोकेश जो चंद्रबाबू के बेटे हैं और विधायक हैं वो इसमें मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा जो किंजारापू अच्चेन नायडू जो कि टीडीपी के राज्य के अध्यक्ष हैं वो और विधायक भी हैं वो शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा कोल्लू रविंद्रन जो विधायक हैं वो शपथ ले रहे हैं गुंटूर से। नांडेडला मनोहर जो है जो इस कमेटी में भी थे पिछली कमेटी में वो शपथ ले रहे हैं मंत्री में। इसके अलावा पी नारायणा है, ये सारी जो मैं टीडीपी की सूची बता रहा हूँ। इसके अलावा बांग्लापुड़ी अनिता है और इसके अलावा आपको डॉक्टर निर्मला राम नायडू है, ऐसे करके सारी सूची जो है सामने आ गई है। लेकिन 19 जो मंत्री बनेंगे वो टीडीपी कोटे से हैं और 4 जो है जनसेना से हैं और 2 जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं और कुल जो है मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के अलावा 25 हैं। चूंकि राज्य में 175 विधानसभा सीटें हैं इसलिए मैक्सिमम जो संख्या है वो 26 की है, 27 की माफ करेगा, तो 3 मंत्री बाद में शपथ ले सकते हैं ऐसी पुष्टि की जा रही है। लेकिन इस वक्त 24 मंत्री और मुख्यमंत्री को मिला के 25 लोग इस कार्यक्रम में शपथ ले रहे हैं और सभी लोग, अगर मैं बात करूं कि बंटवारे को लेकर काफी देर तक मंथन हुआ और सभी लोग खासे उत्साहित हैं, उनको किसी भी तरह से किसी चीज पे उनको कोई शिकायत नहीं है और एक अलग सौहार्द का माहौल है और गठबंधन की जो एकता है वो वास्तव में यहाँ पर देखी जा सकती है। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर, आप लगातार इस शपथ ग्रहण समारोह पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और ताजा अपडेट हमारे तक पहुंचाते रहेगा। तो इसी के साथ न्यूज सेंटर में वक्त एक छोटे से ब्रेक है लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर हम आपको दिखाएंगे ओडिशा में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ताजा अपडेट। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 में। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे ओडिशा की, जहां आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी आज ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मोहन मांझी क्योंझर से विधायक हैं तो वहीं केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा उप मुख्यमंत्री होंगी। भुवनेश्वर में आज दोपहर बाद होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे।
और वहीं मोहन चरण मांझी की अगर बात करें तो ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और चार बार के विधायक हैं। सार्वजनिक सेवा और संगठनात्मक कौशल के लिए उन्हें जाना जाता है। साल 2000, 2004, 2019 और 2024 में क्योंझर सीट से विधायक भी बने हैं वो, जिन्हें इस बार बड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। जनजाति समुदाय से आने वाले मांझी उत्तरी ओडिशा से आते हैं, उत्तरी ओडिशा से ताल्लुक रखते हैं। तो मोहन चरण मांझी इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं कनक वर्धन सिंह देव की बात करें तो ओडिशा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। ओडिशा के पाटनागढ़ से 6 बार के विधायक कनक वर्धन रहे हैं। 2024 में भी विधानसभा चुनाव में पाटनागढ़ से वो चुनाव जीते हैं। इसके अलावा पश्चिमी ओडिशा से आने वाले अनुभवी राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्हें जाना जाता है। भाजपा ओडिशा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी कनक वर्धन सिंह रह चुके हैं, जिन्हें इस बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं अगर बात करें प्रभाती परिदा की तो पेशे से वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। निमापारा से पहली बार विधायक बनी हैं और पहली बार विधायक बनते ही बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। ओडिशा के खंडायतों के सबसे बड़े समुदाय से उनका सीधा संबंध है। तो प्रभाती परिदा इस बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है, पहली बार विधायक बनी है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो अब से कुछ ही देर का और इंतजार है जब ओडिशा में ये भव्य समारोह शुरू होगा। वहीं ओडिशा के मनोनीत उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने कहा है कि जैसे ही हम अपनी शपथ लेंगे, हम अपने चुनावी घोषणा पत्र पर लोगों से किए गए तमाम वादों पर काम करना भी शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में ओडिशा नंबर 1 राज्य बन जाएगा। Our work starts from point zero. The moment we finish our oath, we are going to start working on the promises made to the people through our election manifesto or by the Honorable Prime Minister or Shri Amit Shah ji and others. Jo 4.5 crore Odisha lokon ko Odisha asmita ro kotha ko nahi kuri ame we had gone to the people seeking their blessings. They have been kind to give us that opportunity of coming to government for 5 years and we have to now get down to delivering on the promises made to. और ओडिशा में होने वाले इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में ओपी यादव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधा भुवनेश्वर से। ओपी, जिस तरीके से देखा जाए तो आखिर कितनी देर का और इंतजार, क्या समय रखा गया है ओडिशा में इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, और किस तरीके की तैयारियां इस वक्त वहां चल रही हैं? जी, ओडिशा में 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। ऐसे में यहाँ न केवल उत्सव का माहौल है बल्कि पूरी उड़ीसा में लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का और नए मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी के शपथ ग्रहण समारोह का बेसब्री से इंतजार है। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा, यहाँ उत्सव का माहौल है, तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। आज दिन में 2:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंचेंगे और तकरीबन 1 घंटे तक उनका वहां प्रवास रहेगा। उसके बाद 5 बजे के करीब वो जो जनता मैदान है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है वहां पर वो पहुंचेंगे और 5 से 5:30 बजे के बीच में पूरा शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो जाएगा। शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए बीते 1 हफ्ते से न केवल प्रशासनिक अलमा बल्कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं यहाँ डेरा जमाए हुए हैं और पूरी तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ एक चीज पर बारीक से अध्ययन कर रहे हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ उड़ीसा की संस्कृति की झलक भी इस मैदान में आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल हम मुख्यमंत्री के आवास के बगल में खड़े हैं, यहाँ पे नजारा हम दिखा नहीं सकते, लेकिन थोड़ी देर बाद हम आपको विजुअल्स भेजेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें न केवल उड़ीसा की सांस्कृतिक झलक देखेगी बल्कि उड़ीसा का सम्मान और स्वाभिमान फिर से कैसे लौटेगा उसकी यहाँ से आज शुरुआत होनी है। तो इस कार्यक्रम के तकरीबन 40,000 के समथिंग जो ऑडियंस है इसमें पंडाल में बैठेंगी और जो उड़ीसा के पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के और जो एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं उनको और वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जो बौद्धिक जगत है और जो संत महात्मा और प्रबुद्ध नागरिक हैं उन सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा विहंगम समागम होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल खुशियाँ देगा बल्कि उड़ीसा के विकास के साथ साथ नए उड़ीसा के स्वरूप को किस तरह आगे बढ़ाया जाए उसकी एक झलक देखने का बेहतरीन अवसर भी मिलेगा। यहाँ मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी शपथ लेंगे, साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उम्मीद की जाती है कि 10 के करीब कैबिनेट मंत्री और करीबन 7 से 8 राज्य मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो मंत्रिमंडल होगा ये भविष्य में उड़ीसा की न केवल तस्वीर बदलेगा बल्कि उड़ीसा का सम्मान और स्वाभिमान लौटाने के साथ साथ विकास के लिए किस तरह नए आयाम स्थापित किए जाए
केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर किस तरह डबल इंजन के जरिए यहाँ के लोगों के जरूरतें और जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए किस तरह रोड मैप बनाए, इसको लेकर न केवल आज यहाँ से आगाज होगा बल्कि आने वाले दिनों में आप हम देखेंगे कि एक विकसित उड़ीसा का जो स्वरूप कैसा हो, विकसित भारत के साथ मिलकर उसकी तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आज का दिन न केवल ऐतिहासिक है बल्कि एक उत्सव भरा माहौल भी है कि यहाँ लोगों में देखने को मिलेगा कि नई सरकार के क्या वादे होंगे, नई सरकार की तस्वीर कैसी होगी, उड़ीसा का भविष्य का विजन और संकल्प प्रधानमंत्री का जो है वो कैसे पूरा होगा। मोहन चंद्र मांझी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया उसमें भी एक उड़ीसा के विकास का दृष्टिकोण रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब चुनाव के दौरान आए थे तो उन्होंने बार बार कहा था कि उड़ीसा के तकरीबन 22.8% जो जनजातीय समुदाय की उनका विकास बीते 70 साल से अधिक के समय में हो नहीं पाया। ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इस वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाए और यही वजह रही कि यहाँ तकरीबन 62 जातियां जो है जनजातीय समुदाय की है उनमें 13 ऐसी जातियां जिनकी किसी ने आज तक सुध नहीं ली। तो इन सभी वर्गों का कल्याण और विकास कैसे हो इसके लिए मुख्यमंत्री उनकी टीम न केवल काम करेगी बल्कि केंद्र से मिलने वाली जो मदद है वो केंद्र प्रेरित योजनाएं हैं उनको धरातल पर बेहतर तरीके से पहुंचाने का एक काम होगा। तो निश्चित तौर में विकसित उड़ीसा और विकसित भारत की तस्वीर आने वाले दिनों में हम बेहतर तरीके से आज के इस संकल्प की शुरुआत के जरिए देखेंगे। जी हाँ, ओपी आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा और कितने विधायक आज मंच पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे और क्या अभी तक उनके नाम सामने आ पाए हैं? जी, अभी तक औपचारिक रूप से ऐसी कोई नामों की घोषणा नहीं हुई लेकिन जहाँ तक संभावनाएं जताई जा रही है जो मीडिया में नाम चल रहे हैं या सूत्रों के अनुसार पता चला उनमें सुरेश पुजारी है जो ब्रिजराज नगर से विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, 1 बार सांसद भी रहे हुए हैं बारगढ़ से, तो एक उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा रवि नायक है, कुचिंडा से विधायक हैं। इसके अलावा एक दूसरे हैं, सूर्यवंशी सूरज है, वो धामनगर से विधायक हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका न केवल नाम चल रहा है, इसके अलावा एक महिला को भी मंत्रिमंडल में अलग से उप मुख्यमंत्री एक महिला है, उसके अलावा एक महिला को और मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की संभावनाएं जता जा रही है। तो उम्मीद की जाती है कि जो प्रमुख चेहरे हैं जातीय समीकरण, स्थानीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और संगठन के साथ साथ जो एक अच्छा काम करने का अनुभव जिन व्यक्तियों को उनको टीम में शामिल किया जाएगा और बेहतरीन टीम बनेगी जो प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। बाकी नाम अभी औपचारिकता से आने बाकी है लेकिन उम्मीद की जाती है इन सभी चेहरों को तो मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उम्मीद की जा रही है। और भी नए चेहरे हम देखेंगे जो ऊर्जावान होंगे, यंग होंगे और समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की मादा रखने वाले होंगे। ठीक है ओपी, आप लगातार इस मंत्रिमंडल पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, साथ ही इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के जो भी अपडेट्स होती हैं लगातार हम तक पहुंचाते रहेगा। इसी के साथ न्यूज़ 10 में अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं जहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे जब निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर एक बार फिर से पदभार ग्रहण करती हुई वो नजर आई हैं, तो उस दौरान की ये तस्वीरें। और अब कहीं ना कहीं 100 दिन का जो अगले 100 दिन का जो रोड मैप होगा वो देखना होगा कि उस 100 दिन के अंदर किस तरीके से कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा। और वित्त मंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो वहीं अजय टम्टा ने भी सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। साथ ही हर्ष मल्होत्रा ने भी सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। और उस दौरान की ये खास तस्वीरें जब नितिन गडकरी एक बार फिर से पदभार संभालते हुए नजर आए हैं, तो नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में एक बार फिर से कार्यभार संभाल लिया है और अब तैयार होगा अगले 100 दिनों का पूरा रोड मैप कि किस तरीके से आगे कामकाज करना है। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में अब अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई जहां पर 2 जगहों पर आतंकवादी हमला हुआ है। कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर सेक्टर के सैदा गांव में एक घर पर आतंकवादियों ने हमला किया। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की एक टीम वहां मौके पर पहुंच गई। 2 आतंकवादियों में से एक को कल रात मुठभेड़ में मार गिराया गया तो वहीं दूसरा आतंकी फरार होने में कामयाब रहा है जिसको पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के एक जवान भी शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, साथ ही हमले में एक नागरिक के घायल होने की भी जानकारी मिली है। फरार आतंकी की तलाश के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। और वहीं कठुआ के अलावा डोडा में भी आतंकी हमला हुआ है।
यहां चतरगला इलाके में बीती रात आतंकवादियों ने भारतीय सेना के टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस यानी टीओबी पर फायरिंग कर दी। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और 1 एसपीओ के घायल होने की जानकारी है। घायल जवानों का फिलहाल इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ भी चल रही है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में कठुआ से प्रदीप शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? सुरक्षा बल किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और आतंकवादियों से किस तरह मुठभेड़ इस वक्त चल रही है? देखिए, आतंकवादियों को निस्तनाबूत करने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हर तरह से वो 24 है, हर साजो सामान के साथ 24 घंटे तैयार हैं। कल शाम को 7:30 के बाद जब ये घटना हुई, उसके बाद सुरक्षा बल पूरी रात भर इस ऑपरेशन में लगे रहे और सबसे पहले उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया, उसके बाद दूसरा आतंकवादी जो जंगल में कहीं छिपा हुआ है उसकी तलाश में लगातार तलाश जारी है, जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और आर्मी के जवान लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह 4:30 ड्रोन के साथ पूरे इलाके की तलाशी ली गई है और पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है और पूरे एरिया को देखा जा रहा है कि कहां से किस प्रकार मिलिटेंट छुपे हुए हैं, क्या एक से ज्यादा तो नहीं हो सकते, इसकी भी आशंका बताई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जहां के गांव वालों के हौसले बहुत ही बुलंद है, वो पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। और कल जो घटना हुई उसमें जो एक नागरिक थे जो घायल हुए, उन्होंने आतंकवादियों का पूरा मुकाबला किया, घर के दरवाजे नहीं खुले और आतंकवादियों को मजबूर कर दिया कि वो घर से ही बाहर जाएं और उन्होंने वहां पर फायरिंग की और घर वाले जो है वो जख्मी हुए और उनका जो कठुआ हॉस्पिटल में इसमें इलाज चल रहा है। इस बीच सीआरपीएफ के एक जवान सुबह 3 जब पाकिस्तान आतंकवादियों ने फायर किया तो वो जवान जो है हमारे शहीद हुए, 1-to-1 सीआरपीएफ बटालियन के थे, तो उनको श्रद्धांजलि हम प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, बार बार हर जगह पे चौकसी बरती जा रही है। जैसे जम्मू का जो पूरा क्षेत्र है, जैसे परसों रियासी में हुआ, कल डोडा में हुआ और आज कठुआ में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, इसकी वजह से सुरक्षा बल पूरी तरह से पैक है, मुस्तैद है और पूरे हौसले के साथ काम कर रहे हैं। जी प्रदीप, इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो एक नागरिक के होने घायल होने की भी जानकारी इस वक्त मिली है, फिलहाल उस नागरिक की किस तरीके की स्थिति है, क्या किस तरीके से उसको उपचार दिया जा रहा है? देखिए, कल शाम को जैसे सबसे पहले जो ओमकार चंद नागरिक है, इनको जैसे फायर लगा उसके बाद इनको फौरन सुरक्षा बलों ने वहां से बाहर निकाला और पूरी सुरक्षा के साथ इनको मेडिकल कॉलेज कठुआ में इसको उपचार चल रहा है और अभी इनकी हालत बिल्कुल स्टेबल है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है, सब गांव वाले लोग जो है डरे हुए हैं कि कहीं एक आतंकवादी दिख रहा है, कहीं दो दिख रहे हैं। तो ये लगातार पिछले एक हफ्ते से ये लगातार ऐसे लग रहा है कि जैसे इलेक्शन में ये लोग कुछ करना चाहते थे लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बाद ये लोग कुछ कर नहीं पाए और अब जैसे ही थोड़ी सी डील इनको मिली है तो ये फौरन अपनी बिलों से बाहर आ गया और कोई ना कोई भारत करने की फिराक में है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए और लगातार इस खबर पर अपनी नज़र भी आप बनाए रखिएगा। तो न्यूज़ एट 10 में हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर ओके भाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज़ 10 में। बढ़ते हैं अब आगे और रुक करते हैं अगली खबर का, जो है हादसे से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बड़ा हादसा हो गया। बालू से भरा हुआ ट्रक सड़क किनारे बनी झोपड़ी पर पलट गया, जिससे झोपड़ी में सो रहे 4 मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये ट्रक गंगा किनारे से बालू लेकर हरदोई जा रहा था, इतने में ही अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के नीचे दबे हुए लोगों को निकलवाया, लेकिन एक बच्ची को छोड़कर वहां पर सभी की तब तक मौत हो चुकी थी। हादसे में घायल बच्ची को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और न्यूज 10 में अब अगली खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां बलौदा बाजार हिंसा मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। देर रात कार्रवाई करते हुए जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है, साथ ही नए कलेक्टर और एसपी की तैनाती जिले में की गई है। जारी आदेश के मुताबिक बलौदा बाजार जिले के कलेक्टर के पद पर IAS दीपक सोनी और SP के पद पर अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को तैनात किया गया है। वहीं इससे पहले पुलिस ने अभी तक 100 से ज्यादा आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, साथ ही अलग अलग 8 FIR भी दर्ज की गई। इसमें 40 से 50 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बलौदा बाजार में सतनाम पंथ के धार्मिक स्थल अमर गुफा के जैतखाम में तोड़फोड़ के मामले की जांच और अन्य मांगों को लेकर सतनामी समाज के कई संगठन आंदोलन कर रहे थे। सोमवार को कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय में आग लगा दी। सतनामी समुदाय के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा कि जो कुछ घटना हुई थी वो अभी जो 10 तारीख को घटना हुई निंदनीय है, यह कहा। यह भी कहा कि उसमें प्रशासन का ध्यान रहे, किसी बेगुनाह को कोई सजा ना हो, साथ ही साथ जो गुनाहगार है उनको अवश्य सजा हो, आदि आदि बातें। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अगली खबर है राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसी बीच पानी की कमी से भी दिल्ली वासियों को जूझना पड़ रहा है। दिल्ली वालों को मंगलवार दोपहर बिजली संकट का भी सामना करना पड़ा, इससे सचिवालय सहित कई क्षेत्रों में लोग पसीना पसीना हो गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मंडोला में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सब स्टेशन में अचानक आग लगने के कारण 400 केवीए की लाइन में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और इस वजह से दिल्ली के कई इलाकों में 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली गुल रही है। और न्यूज 10 में अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि भीषण गर्मी फिर से शुरू हो गई है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जारी रहेगी। तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं पंजाब के पटियाला में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त वहां से जुड़ रहे हैं। विकास, फिलहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी तो पड़ ही रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान जताया गया है? क्या इस भीषण गर्मी से उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत मिलती हुई आगे नजर आएगी? जी, फिलहाल मौसम विभाग ने जो बताया है उनमें अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जैसा अभी आपने बताया कि प्रयागराज का तापमान 47 डिग्री पार कर गया था दिन में, इसके साथ साथ रात के तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है वो लोगों को ज्यादा परेशानी दे रहा है। खासतौर से झांसी के तापमान करें तो 32 डिग्री टेम्परेचर कल रात में झांसी में रहा, यही आप अनुमान लगा सकते हैं। दिन तो गर्म है, लोग नहीं निकलते, लेकिन रात जब गर्म हो जाती है तो लोगों को ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में यह प्रकोप अभी पूरी तरीके जारी रहेगा, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। फिलहाल अगर बात करें तो बुंदेलखंड में कल हीट वेव नहीं चली, लेकिन तापमान में काफी ज्यादा वृद्धि रही। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं लगातार तापमान बढ़ रहा है। वहीं प्रयागराज जैसे तमाम क्षेत्रों में दिन के तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 5 दिनों के बाद
पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ एक आध जगहों पर आंशिक रूप से चक्रवाती बारिश होने के कारण कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल अभी यही जरूरी है कि इस गर्मी के कारण लोग एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, यही उनके लिए जरूरी है, क्योंकि फिलहाल अभी दिन में कोई राहत मिलने वाली नहीं है दिन के तापमान में, और रात का तापमान भी लगातार गर्म ही बना हुआ है। तो लोगों को इसके मद्देनजर अपनी सुरक्षा सतर्कता की तैयारियां करना जरूरी हो जाता है। जी फिलहाल अगर देखा जाए तो लोग किस तरीके से अपना बचाव करें इस भीषण गर्मी में? जी सबसे बड़ी बात है, दिन में अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो तमाम सारे जो साधन है अपने चेहरे को ढक कर रखें, अपने हाथ पर जो खुले स्थान है उनको पूरे फुल बाजू के कपड़े पहने, इसके साथ साथ शीतल पेय का प्रयोग करते रहें शरीर में। सबसे बड़ी बात होती है इस समय मौसम में नमी कम हो जाती है, तो आप पानी का प्रयोग जितना से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, पेय पदार्थों का, शीतल पेय का, वो बहुत जरूरी होता है। जो मौसमी फल होते हैं विशेषज्ञ कहते हैं इस सीजन में उनका प्रयोग आपको काफी कुछ गर्मी और लू के प्रकोप से बचाता है, क्योंकि हीट वेव चल रही है, तमाम सारे लोगों को इसके संबंधित तमाम सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं, पेट दर्द की शिकायत होती है। तो ऐसे में खान पान का प्रयोग जरूर करें, ताजा भोजन ही करें, यह सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, और शरीर में पानी की मात्रा बिल्कुल कम ना हो, इसलिए जरूरत जितना पानी पीते हैं उससे ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच रांची से हमारे सहयोगी दिवाकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिवाकर, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है अगर हम बात करें झारखंड की तो? देखिए झारखंड ने भी इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि झारखंड में कभी उमस वाली गर्मी लोगों को परेशान नहीं करती थी, लेकिन इस बार पिछले कम से कम 15 दिनों से लोग गर्मी से प्रभावित है और पूरी तरह से जनजीवन जो है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खासकर अगर हम दिन के तापमान की बात करें तो इस बार जो कोल्हान का इलाका है, संथाल का इलाका है, और साथ ही साथ पलामू और गढ़वा का जो इलाका है, वहां पर तापमान ने पिछले जो हम कह सकते हैं पिछले 50 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ज्यादातर जगहों पर जो तापमान है वो 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कभी इतनी गर्मी नहीं होती है। वो कभी कभी जो पलामू का इलाका है, गढ़वा का इलाका है, इन जगहों पर तापमान 44 से 45 डिग्री कभी कभी देखा जाता है, लेकिन इस बार करीब एक महीने से तापमान का यही सिलसिला बना हुआ है। और सड़कों पर आप देख सकते हैं कि दिन में ही जो आलम है वो एक तरीके से कर्फ्यू जैसा आलम नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी से लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, और गर्मी के जो मामले हैं, लगातार लू लगने के मामले हैं, या लोगों के दस्त की शिकायतें हैं, पेट खराब होने की शिकायतें हैं, लगातार जो रांची का सबसे बड़ा रिम्स अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है वो सारे इस तरह के मरीजों से भरे हुए हैं। तो जो गर्मी ने है वो एक तरीके से कहर ढाया हुआ है पूरे झारखंड में, और फिलहाल अभी अगले 2-3 दिनों तक, 72 घंटों तक इससे फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और मौसम विभाग ने कहा है कि 15 तारीख के आसपास झारखंड में प्री मानसून बारिश रांची और कुछ इलाकों में हो सकती है, तब जाके लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जी कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मौसम की तरफ से अगर देखा जाए तो फिलहाल राहत मिलती हुई तो नजर नहीं आ रही, लेकिन वहीं एक तरफ जहां प्रचंड गर्मी और लू की तपिश है तो वहीं दूसरी तरफ मानसून की बारिश भी नजर आ रही है, क्योंकि मानसून इस समय गुजरात और महाराष्ट्र और साथ ही तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश का भी अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों सहित कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और खबरों का सिलसिला न्यूज 10 में यूं ही लगातार जारी है, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 में। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आगामी 21 जून को होने वाले योग दिवस से जुड़ी खबरों की। तो
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जहां एक तरफ तेज हो गई, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योग का एक वीडियो साझा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि वृक्षासन यानी पेड़ की मुद्रा में किए जाने वाले आसन के कई फायदे हैं। ये शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के साथ ही इसे मजबूती भी प्रदान करता है। वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। साल 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि अब बेहद नजदीक है और उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे न्यूज 10 में, जहां पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक भारत में 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान जीडीपी में $3.3 trillion की बढ़त भी देखने को मिलेगी। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों के एजेंडे के लिए पीएचडी चैंबर की ओर से 10 महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए गए हैं। इसमें रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग में दोहरे अंक में वृद्धि, निर्यात को मजबूत करना, Tier 2 और Tier 3 शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को मजबूत बनाने के लिए नीति बनाना, बढ़ती महंगाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के ग्रोथ रेट अनुमान को 6.6% पर बरकरार रखा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहेगी। बैंक का कहना है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के ग्रोथ रेट अनुमान में 1.2% का इजाफा करते हुए कहा था कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% रहेगी, जबकि पहले इसके 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया था। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नाम की अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही है। साथ ही घरेलू मांग भी वित्त वर्ष 2024 में शानदार बनी रही। निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई है।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छा काम हुआ है, जहां महंगाई दर सितंबर 2023 के बाद से 2.6% के दायरे में बनी रही। और वहीं वर्ल्ड बैंक ने आगे कहा कि ग्लोबल ग्रोथ 2024 से 2.6% रहेगी, जबकि 2025-26 में इसकी 2.7% रहने का अनुमान है। और आगे बढ़ते हुए बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी कर लेते हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में हाल ही में 2 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी किया, इसके साथ ही बताया कि दोनों भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने रूस के साथ इस मामले को सख्ती के साथ उठाया है और रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी की भी मांग की है। भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि रूसी सेना की ओर से भारत के किसी भी नागरिक की भर्ती पर आगे रोक लगाई जाए। ऐसी किसी भी तरह की गतिविधियां दोनों देशों की साझेदारी के अनुरूप नहीं होंगी। इसके साथ ही भारत ने रूस में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो रूस में रोजगार ढूंढते समय सावधानी बरतें। और अब बात न्यूज़ 10 में खेलों की करते हैं, जहां आईसीसी T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना अब तक अपने प्रदर्शन में सभी को चौंकाने वाली मेजबान टीम अमेरिका से होगा। दोनों टीमों ने अब तक प्रतियोगिता में 2-2 मुकाबले जीते हैं और ऐसे में दोनों टीमों का इरादा इस मुकाबले को जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने का होगा। अमेरिका ने प्रतियोगिता में पाकिस्तान को हराकर सभी को चौंका दिया था। और वहीं भारतीय डेफ क्रिकेट टीम 18 जून से इंग्लैंड दौरे पर 7 मैचों की T20 सीरीज में हिस्सा लेगी और यह पहली बार होगा जब भारतीय टीम इस प्रकार की द्विपक्षीय सीरीज में हिस्सा लेगी। कैसी है टीम की तैयारी और सीरीज को लेकर खिलाड़ियों में कितना उत्साह है, इस पर टीम के कोच देवदत्त से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ इंडियन डेफ क्रिकेट टीम के कोच देवदत्त जी मौजूद हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होने वाली है T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम कितनी तैयार है? भारतीय टीम का देखो तैयारी जून से लेकर 13 जून तक करनाल सिंह स्टेडियम में कैंप लगा हुआ, फिटनेस कैंप और वो भी होता है, पूरी तैयारी चल रही है। हमने जो कमियां हैं बच्चों को देखो, 4 चेंज करें प्लेयर इंग्लैंड सीरीज के लिए, उसमें 4 नए प्लेयरों को मौका दिया है। और जैसे हमारी फील्डिंग, जैसे हम पिछले वर्ष सुपर ओवर में हार गए थे तो थोड़ा फील्डिंग पे भी वर्कआउट कर रहे हैं हम सर। जब आप इंग्लैंड की टीम के खिलाफ उतरेंगे तो क्या तैयारी होगी? हमारी इंग्लैंड के खिलाफ कोशिश यही रहेगी, देखो जो बाहर की जो टीमें होती हैं वो थोड़ा स्पिनर को कम खेल पाती हैं, पूरी कोशिश है। हमने 2-3 लड़के लेफ्ट आर्म स्पिन रखे हुए हैं और कोशिश है, और उस हिसाब से देखेंगे, पहले मैच में देखेंगे जो हमारी बेस्ट टीम है उसको बनाएंगे। हमें लगेगा दूसरी टीम को हल्का खेल रही है तो 1-2 बच्चों को ऊपर नीचे खिलाते रहेंगे। एक डेफ कोच हैं आप, आम क्रिकेट से अगर हम इसकी तुलना करें तो किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं डेफ क्रिकेटर्स को तैयार करने में? देखो क्रिकेट तो सब कुछ नॉर्मल है इनकी बच्चों की, बाकी जो रूल रेगुलेशन है सब ICC के हैं, बाकी थोड़ा चैलेंज मेरे को इनको करना पड़ता है, जैसे मैं बोल लेता हूँ ये बोल नहीं पाते, फिर भी इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे को कुछ अपनी बात बतानी होती है तो इंटरप्रेटर को बोलना पड़ता है, और कुछ गलत शॉट खेल रहे होते तो मेरे को भी खुद बताना पड़ता है एक्शन से आपकी कमी यहाँ है और ये शॉट ऐसा खेलना चाहिए। इंटरनेशनल मुकाबला है ये, इसके लिए हमारे खिलाड़ी कितने तैयार है, कितना उत्साह है खिलाड़ियों में? खिलाड़ियों में पूरा उत्साह है, देखो ये भी मैच, कई मैच जीते, चैंपियन ट्रॉफी भी जीते थे रिसेंटली वर्ल्ड कप, थोड़ा हार्ड लक अच्छा खेलने के बाद नहीं जीत पाए, पर कोशिश है पूरी इंग्लैंड से ये सीरीज जीत के आए। डेफ क्रिकेट को लेके दुनिया भर में काफ़ी काम हो रहा है, खिलाड़ियों को नए नए टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका मिल रहा है, बोर्ड के पास क्या प्लान है खिलाड़ियों को और ज़्यादा मुकाबले खेलने को मिले और ज़्यादा जो है इंटरनेशनल मैचों में मैदान पर उतरने को मिले? बोर्ड ने देखो जयशाह जी ने अच्छी कमेटी बनाई है DICC, जिसमें सुमित जैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रवि चौहान जी को रखा, एक कमेटी का गठन कर दिया है और आने वाले जीवन में इन बच्चों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य है और सब BCCI जयशाह जी की नज़र में है, ये सारी जो कैसे खेल रहे हैं वो सारा वो इन बच्चों को टेक ओवर करते हैं तो शायद कभी भी इनकी अपने अंदर ले सकते हो। दूरदर्शन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंडियन डेफ क्रिकेट टीम के कोच देवदत्त जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डेफ क्रिकेट का आने वाले समय में काफ़ी आगे जाने की संभावना है, खिलाड़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहीं बोर्ड भी इन खिलाड़ियों को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सुशील कुमार, DT News। और इसी के साथ में फिलहाल न्यूज़ 10 में मेरे साथ इतना ही, मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसी तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने की स्थिति में कभी कभी परिणाम गंभीर हो सकता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है तो गर्मी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको होने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वो हल्की गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे किसी को पित्त उछल जाती है, किसी को गर्मी में वीकनेस महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है, या सनबर्न हो जाता है, जिन्हें ज़्यादातर होम रेमेडीज या हल्के इलाज से ठीक किया जा सकता है। मगर जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो या हमारे शरीर में जो स्वेटिंग जो पसीना है उसकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कई बार काफी सीरियस या जानलेवा दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक। वातावरण का तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बढ़ जाए तो शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण शरीर का गर्मी नियंत्रित करने का सिस्टम या मैकेनिज्म बिगड़ने लगता है। गर्मी से होने वाली थकावट, बेहोशी और लू लगने जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा खतरा है लू लग जाने का, और खासतौर से वो लोग जो ज़्यादातर अपना समय बाहर बिताते हैं, जैसे जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिसमैन हैं, जो फैक्ट्री वर्कर जो खुले में काम करते हैं, तो उन सब के लिए ये रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी को लू लगती है तो उसमें शुरू के लक्षण आते हैं कि उसे थोड़ा वीकनेस महसूस होती है, प्यास ज़्यादा लगना शुरू होते हैं, शरीर में पानी की कमी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि पैल्पिटेशन या घबराहट महसूस होती है। अगर ये ब्लड प्रेशर और कम होता है तो थोड़ा भी कोई काम करने में चक्कर आते हैं या वो इंसान बेहोश भी हो सकता है। ऐसे सब कंडीशन में तुरंत फर्स्ट एड देना भी ज़रूरी है, और कई केसेस में ऐसे पेशेंट को तुरंत नज़दीक के डॉक्टर को या हॉस्पिटल में ले जाना भी ज़रूरी हो जाता है। गर्मी का प्रभाव कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पेय लेना आवश्यक है। तेज धूप लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसके कारण प्यास अधिक लगती है। ज्यादा गर्मी में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास हो जाए 24 घंटे में। उस व्यक्ति को उस गर्म एनवायरनमेंट से दूर ले जाएं, जहां ज्यादा गर्मी है वहां के बजाय ऐसे कमरे में ले जाएं जहां थोड़ी ठंडक है, जहां खिड़कियां खुली हैं, थोड़ी फ्रेश एयर आएगी। आप पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, पंखा झल सकते हैं, और गीले कपड़े से बदन को पोंछ सकते हैं। अगर उसने कुछ टाइट कपड़े पहने हैं तो हम उन्हें कपड़ों को लूज़ कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएंगे। साथ ही अगर एम्बुलेंस या ऐसा साधन है जिससे हम तुरंत उसे नज़दीक के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं तो ले जाना चाहिए, लेकिन एम्बुलेंस बुलाने के चक्कर में हमें डिले नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, वो खाना लें जो हल्का है, जो ज़्यादा ऑयली नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए और पानी खूब पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में कुछ सावधानियां रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही हल्के सूती कपड़े पहनें। सही आहार और देखभाल से गर्मियों के मौसम में लू लगने की समस्या से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़।